नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का संस्कृत, इस पुस्तक का नाम है सुभाषिका द्वितीय भाग, उसका हम लोग दूसरा पाठ पढ़ेंगे, द्वितीय पाठ। इस पाठ का नाम क्या है? बुद्धिर्यश बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि होगा उसी के पास बल भी होगा। तो हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। इस कहानी में पहले हम लोग इसको पहले संस्कृत पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तो उसका हम लोग हिंदी अनुवाद करेंगे। तो एकस्मिन वने भासुरक नाम सिंह वसति अस्म। तो हम लोग यहाँ पर कुछ नया वर्ड भी है, जैसे एकस्मिन, ये अस्म है ना। तो एकस्मिन वने, एक जंगल में भासुरक नाम का सिंह वसती मतलब रहता था, वसती मतलब रहता है, और अस्मा लग गया मतलब कि वो था हो गया। तो एक जंगल में भासुरक नाम का सिंह रहता था। सह वने प्रतिदिनम अनेकान पशुन मारित्वा खादती अस्मा। सह वने प्रतिदिनम, वह जंगल में प्रतिदिन अनेकों पशुओं को मारकर मारित्वा खादती अस्म, मारकर खाता था। सह वने प्रतिदिनम, वह जंगल में प्रतिदिनम, प्रतिदिनम का मतलब प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। अनेकान मतलब ढेर सारे पशुओं को, पशुन अनेकान पशुन मतलब बहुत सारे पशुओं को, मारित्वा मतलब मारकर खाता, ये फिर यहां देखिएगा सेम चीज है, खादती मतलब खाता है, अस्म मतलब खाता था, खादती अस्म मतलब खाता था। तो यहां हम लोग इसका मीनिंग देख लिए कि एक जंगल में भासुरक नाम का सिंह रहता था, वह जंगल में प्रतिदिन अनेक पशुओं को मारकर खाता था। भयातुरा, देखिए अब इसको हम लोग तोड़े यदि इसको, तो भय प्लस आतुरा मतलब डर से आतुर होकर। भयातुरा सर्वे पशव मिलित्वा सिंहस्य समीपम गत्वा औदन स्वामीन। फिर से सुनिएगा, भयातुरा सर्वे पशव मिलित्वा सिंहस्य समीपम गत्वा औदन स्वामीन, मतलब भय से आतुर होकर मतलब डर करके सभी पशु मिलकर सिंह के समीप, गत्वा मतलब जाकर, औदन मतलब बोले, भय से डर कर, भय से आतुर होकर सभी पशु मिलकर सिंह के समीप जाकर बोले, स्वामीन भवतः भोजनस्य कृते तु एकस्य पशोः एव आवश्यकता भवति, परंतु भवान प्रतिदिनम अनेकान पशुन मारयति। ये लोग जाकर के बोला क्या, भवतः भोजनस्य मतलब आपके भोजन के लिए, भवतः भोजनस्य कृते मतलब आपके भोजन के लिए, तो एकस्य पशु एव आवश्यकता होती, एक ही पशु की आवश्यकता होती है, परंतु भवान प्रतिदिनम परंतु आप प्रतिदिन अनेकान पशुन मारयति, अनेक पशुओं को मारते हैं। क्या बोला कि आपके भोजन के लिए एक ही पशु की आवश्यकता होती है, एकस्य पशु एव एक ही पशु की आवश्यकता होती है, बहुत ही मतलब होती है या होता है जो बोलिए, आवश्यकता होती है, परंतु भवान मतलब आप प्रतिदिनम अनेकान पशु मारयति, लेकिन परंतु आप प्रतिदिन अनेकों पशुओं को मारते हैं। अतः भवान गृहे एव तिष्ठतु, अतः आप घर में ही रहें। क्या बोला, अतः भवान गृहे एव तिष्ठतु, अतः आप घर में ही तिष्ठतु मतलब रहें। वयम क्रमेण प्रतिदिनम एकम पशु भवतः सेवायां प्रेषयिष्यामः। वयम मतलब हम लोग, क्रमेण मतलब क्रम से, प्रतिदिन एक पशु भवतः सेवायां मतलब आपकी सेवा में, प्रेषयिष्यामि मतलब प्रेष
करेंगे। क्या बोला? हम लोग क्रम से प्रतिदिन एक पशु आपकी सेवा में प्रेषयिष्यामि का प्रेषयिष्यामः का मतलब है भेजना, भेजेंगे या प्रेषित करेंगे। तो हम लोग क्रम से प्रतिदिन एक पशु आपकी सेवा में भेजेंगे। सिंह सर्वेषां निवेदनम स्वीकृत्य अगच्छत्। सिंह सभी का निवेदन स्वीकार किया। सिंह सिंह सर्वेषां निवेदनम स्वीकृत्य अगच्छत्। सिंह सभी का निवेदन स्वीकार किया। तथा सिंहस्य समीपम एकः पशु प्रतिदिनं गच्छति अस्म। तब सिंह के समीप एक पशु प्रतिदिन जाता था। जैसा ये लोग कहा कि प्रतिदिन एक एक पशु आपके समीप हम लोग भेजेंगे बारी बारी से, तो उसी अनुसार से तथा सिंहस्य समीपम, तब सिंह के समीप एक पशु, एकः पशु प्रतिदिनं गच्छति अस्म, प्रतिदिन जाता था। सिंह तम खादती अस्म, सिंह उसको खाता था। एकदा एकस्य शस्कस्य क्रमः आगतः। एक दिन एक शस्कस्य मतलब खरगोश की बारी आई। एकस्य शस्कस्य मतलब एक खरगोश की, क्रमः आगतः, क्रमः मतलब बारी, आगतः मतलब आई आता है। एक दिन एक खरगोश की बारी आती है। शस्क चिंता मग्न भूत्वा सिंहस्य सेवायाम अचलत। शस्क चिंता मग्न, खरगोश चिंता मग्न होकर सिंह के सेवा में चला। मार्गे सह एकम उपायम चिंतयित्वा विलंबेन सिंहस्य समीपम आगच्छत। मार्गे मतलब मार्ग में, रास्ता में, वह सह एकम उपायम चिंतयित्वा, एक उपाय चिंतित्वा मतलब सोचकर, वह एक उपाय सोचकर विलंबेन देर से, विलंबेन मतलब देर से, विलंब से सिंहस्य सिंह के समीप आगच्छत मतलब आता है। यहां हो गया कि मार्गे सह एकम उपायम, मार्ग में वह एक उपाय सोचकर विलंब से सिंह के समीप जाता है। सिंह अपृच्छत, सिंह पूछा, अरे अधम, सिंह पूछता है, अरे अधम, अधम का मतलब होता है नीच, अरे नीच, वहां वो बोला अरे नीच, त्वं किमर्थम विलंबेन आगतः, कि तुम किस लिए, किस कारण, किस अर्थ से विलंब से आए। विलंबेन मतलब विलंब से, आगतः मतलब आए, तुम किस कारण विलंब से आए। शस्क औदत, खरगोश बोला, महोदय, महाशय, भवता सेवायाम आगमन समये अहम एकम अपरम सिंहम अपश्यम। भवतः मतलब आप, सेवायाम आगमन समये आपकी सेवा में आने के समय, अहम एकम अपरम सिंहम अपश्यम, मैं एक दूसरे सिंह को देखा। अपर मतलब दूसरा, कि मैं एक दूसरे सिंह को देखा। सह माम खादितुम उद्यतः आसीत, वह मुझे खाने के लिए तत्पर था, माने वह मुझे खाना चाहता था। अहम तम सिंहम अवदम, मैं तब सिंह को कहा, बोला, यत अहम वनराज भास्कुरस्य सेवायाम गच्छामि, कि मैं वनराज मतलब जंगल के राजा भास्कुरस्य, भास्कुरस्य का मतलब भासुरक की सेवा में जा रहा हूँ या जाता हूँ। यत अहम वनराज भास्कुरस्य सेवायाम गच्छामि, मैं वनराज, मैं जंगल के राजा भासुरक की सेवा में जा रहा हूँ। अतः माम मोचयतु, अतः मुझे, मोचयतु मतलब छोड़ दो, अतः मुझे छोड़ दो। सह अवदत, वह बोला, यत अहम एव वनराज, वह बोला, यत अहम एव वनराज न तु भासुर का, वह क्या बोला कि यत
सह अवदत, वह बोला यत अहम, यहाँ मैं ही वनराज हूँ, मैं ही जंगल का राजा हूँ, न कि न तु भासुरक, न कि भासुरक। गच्छ भासुरकम आनय, जाओ भासुरक को लाओ। तम हत्वा, उसको मारकर, हत्वा मतलब मारकर। अहम मैं, त्वाम खादिष्यामि, मैं तुमको खाऊंगा। क्या बोला, जाओ भासुरक को लाओ, तम हत्वा, उसको मारकर मैं तुमको खाऊंगा। सस्कस्य वार्ताम श्रुत्वा भासुरक क्रुद्ध भूत्वा अवदत्, खरगोश की वार्ता सुनकर भासुरक क्रुद्ध होकर बोला, गुस्से में बोला। ससक खरगोश, कुत्र अस्ति सह दुष्ट, कहाँ है वह दुष्ट। क्या बोला, कुत्र अस्ति, कहाँ है, कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति मतलब है, कुत्र अस्ति, कहाँ है वह दुष्ट। माम तत्र शीघ्रम नय, मुझे वहां शीघ्र ले चलो। ससक तम नीत्वा एकस्य कूपस्य समीपम अगच्छत्, ससक मतलब खरगोश, तम नीत्वा उसे लेकर एकस्य कूपस्य समीपम अगच्छत्, एक कुएं के समीप आए जाता है। ससक तम नीत्वा, खरगोश उसको लेकर एक कुएं के समीप जाता है। ससक अवदत्, खरगोश बोलता है, महोदय महाशय, सह दुष्ट अस्मिन एव कूपे अस्ति, वह दुष्ट इसी कुएं में, अस्मिन एव मतलब इसी कुएं में है। सह दुष्ट अस्मिन एव कूपे अस्ति, वह दुष्ट इसी कुएं में है। भासुरक कूपे अपश्यत, भासुरक जो था वो कुएं में देखा। कूपे स्वकीयं प्रतिबिंबं दृष्ट्वा, कूप में स्वकीयं मतलब अपनी छाया को, अपने प्रतिबिंब को देखकर, स्वकीयं प्रतिबिंबं दृष्ट्वा सह उच्चः अगर्जत, कुएं में अपने प्रतिबिंब को देखकर वह जोर से गर्जा। कूपात तस्य एव गर्जनस्य प्रतिध्वनिः आगच्छत्, कुएं से उसकी ही गर्जन की प्रतिध्वनि आई, कुएं से उसकी ही गर्जन की प्रतिध्वनि आई। मत्वात तस्य एव गर्जनस्य प्रतिध्वनि आगच्छत्, कुएं से उसकी ही गर्जन की प्रतिध्वनि आती है। सह कूपे स्वकियाम छायाम एव अपरम सिंहम मत्वात तम मारयितुम अकुर्दत, वह कुएं में अपनी परछाई को देखकर, अपनी छाया को देखकर, सह कूपे स्वकियाम छायाम एव अपरम सिंहम मत्वा, वह कुएं में अपनी परछाई को देखकर ही दूसरे एव अपरम सिंहम, दूसरे सिंह को मानकर, वो क्या किया, जो अपना जो छाया देखा उसको समझ लिया वो कि वो दूसरा सिंह है। सह कूपे स्वकियाम छायाम एव अपरम सिंहम मत्वा, दूसरे सिंह को मानकर, समझकर, तम मारयितुम अकूर्दत, उसको मारने के लिए कूदा। वह कुएं में अपनी परछाई को देखकर, अपनी परछाई को दूसरे सिंह समझकर कुएं में कूद गया, उसको मारने के लिए कुएं में कूद गया। कूपे बहु जलम आसीत, कुएं में बहुत जल था। अतः सिंह तस्मिन एव निमज्जय मृतः, अतः सिंह उसमें ही डूबकर मर गया। निमज्जय मतलब डूबकर और मृतः मतलब मरना, तो अतः सिंह उसमें डूबकर ही मर गया। ससक बुद्धि बलेन स्वकीयम अन्येषां च जंतुनाम जीवनम अरक्षत, खरगोश बुद्धि बलेन बुद्धि के बल से ही स्वकीयम अपनी और स्वकीयम अन्येषां च अपनी और दूसरे जंतुओं के जीवों की रक्षा किया। ससक बुद्धि बलेन स्वकीयम अन्येषां च जंतुनाम जीवनम अरक्षत, खरगोश बुद्धि के बल से ही अपनी और अन्य जंतुओं के जीवन की रक्षा की। अतएव उक्तम बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, अतएव कहा गया है
कि जिसके पास बुद्धि है बल उसी के पास है। बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है बल उसी के पास है। ये जो कहानी था बुद्धि यस्य बलम तस्य, ये कहां से लिया गया? पंचतंत्र से लिया गया। इसके रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा। बस इसका हम लोग जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।